गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुनील सिंह और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग निकले हुए हैं मनोहरपुर की कुछ खूबसूरती दिखाने के लिए आप लोगों को। तो आप लोग हमारे साथ सफ़र पे यूं ही बने रहिए। और हमारे साथ कैमरामैन श्री आकाश सिंह हैं, जिन्हें आगे के ब्लॉग वीडियो में दिखाया जाएगा। और हमारे साथ हैं हमारे दोस्त श्री अभिनव राज। और हम लोग यहाँ से सुंदर नज़ारा का शुरुआत करते हैं। और आप लोग इसी तरह हमारे साथ सफ़र पे बने रहें। और आगे का जो हमारा मनोहरपुर की खूबसूरती है, आगे भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। आप लोग यूं ही हमारे साथ सफ़र पे बने रहें। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, जो हमारे कुछ दूरी पे है। चलो दोस्त। रास्ते में रुके हैं, हमने सोचा आप लोगों को थोड़ा खूबसूरती दिखा दिया जाए। और दिखाइए इधर आकाश जी खूबसूरती थोड़ा, यहाँ पे धान की खेती हो रही है और धान भी अच्छे फसल हुए हैं। और हमने सुना है कि अभी हम चलेंगे यहाँ से धानापाली की ओर। हमने सुना है कि धानापाली की जो ब्रिज है वो ढह चुकी है, और वो मुझे जानकारी नहीं था इस चीज़ का। तो हम चलते हैं अभी वही पुल देखने और आप लोगों को यहाँ का 360 व्यू दिखाते हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं धानापाली की ओर। और ये हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं, कैमरामैन आकाश सिंह, और ये हमारे दोस्त हैं अभिनव राज। और चलो गाड़ी स्टार्ट करो और हम लोग चलते हैं अब धानापाली की ओर। और आप लोग वीडियो पे बने रहें, आप लोगों को जो खूबसूरती है वो थोड़ी ही देर में दिखाएंगे हम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और ये हमारे दोस्त जो है गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो धानापाली पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने बोला था आप लोगों को कि धानापाली का जो पुल है, जो कि झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है, तो वो पुल जो है डैमेज नहीं हुआ है। जो उसका बीच का पाया है वो इतना लगभग धस चुका है और पुल इस टाइप का हो चुका है। जो हम लोग इसी रास्ते से आना जाना हमेशा करते थे रॉल के नाम, जो कि हम लोग को 5 किलोमीटर का कम पड़ता था, तो ये रास्ता अभी बंद हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ आवश्यक सूचना भी लिखी हुई है, जो प्रशासन ने इस रोड को ब्लॉक कर दिया है। और चलते हैं हम लोग आगे की ओर और आपको दिखाते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर बाइक वगैरह अलाउ है, बाइक वगैरह जा सकते हैं, पर फोर व्हीलर अलाउ नहीं है। और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को नीचे से भी दिखाने का, और यहाँ का जो खूबसूरती है दिखाते हैं हम आप लोगों को। आप लोग इसी तरह वीडियो पे बने रहें। इधर दिखाइए, और आप लोग ये ब्रिज देखिए। और जो ब्रिज है इस टाइप का हो चुका है। अब पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वीडियो पे वीडियो दिखाइए कहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ब्रिज जो है पूरा इस तरह से ऐसे हो चुका है। नीचे का जो एक पाया है कम से कम इतना लगभग दब चुका है नीचे,
इससे पहले भी एक बार ये घटना हो चुकी थी, उस समय प्रशासन की तरफ से उसको मतलब नीचे से उठाया गया था ऊपर ब्रिज को, और फिर से ये दोबारा जब ये एक बार बाढ़ आया था इसमें तो फिर से ये दोबारा हो गया। देखिए यहाँ पे पोल दिखाइए, यहाँ पे पूरा ब्रिज जैसे दबा है तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन चुका है ब्रिज पे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये जो ब्रिज इस टाइप का हो चुका है उसको हम लोग नीचे से भी दिखाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो करना परेशान हो गए हम लोग। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का एक खूबसूरती नजारा, और ये हम लोग इस नदी को कोयल नदी के नाम से जाना जाता है ये नदी। और यहाँ का जो कुछ अलग टाइप का ही है, शाम का समय में यहाँ का रौनक कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, और लोगों का यहाँ पे काफी शाम के समय में भीड़ भी होता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है यहीं पे दो जो पाया है इस टाइप का सट चुकी है, और इधर देख रहे हैं, और ये जो आपका रॉयल किला से भी लोग यहाँ पे घूमने आया करते थे जो अभी संपर्क टूट चुका है। उसमें क्या है कि बहुत अच्छा समझ में आया कि किस तरह से पाया दबा हुआ है और दूसरे पाया के मुकाबले, तो चलिए देखते हैं, चलते हैं हम लोग नीचे की ओर। समय में यहाँ पे काफी अच्छा खासा जो शाम का जो नजारा होता था बहुत ही खूबसूरत मनमोहक, जिसे आप लोग पिकनिक स्पॉट के लिए भी जाना जाता था। और उसी नदी की ओर बढ़ते हुए जो हमारे दोस्त आगे आगे बढ़ चुके हैं हमें अकेला छोड़ के, लग रहा उनको मजा लेने का ज्यादा ही जल्दी है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, और आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग जैसा मेहनत कर रहे हैं उसी तरह आप लोग भी मुझ पर प्यार बनाए रखें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और ये देखिए एक बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो ये देखिए तीसरा जो पिलर है, पहला दूसरा तीसरा पिलर जो ये थोड़ा सा नीचे दब चुका है बालू पे। ये लास्ट टाइम भी मुझे लग रहा है इससे पहले चौथा या पाँचवा पिलर ऐसे हुआ था इससे पहले, पर अभी ये तीसरा पिलर फिर से दब चुका है। इस बार इसके लिए भी कुछ सख्त निर्णय लिया जाएगा और इसे भी जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा, ताकि ये मुख्य मार्ग है राउरकेला और मनोहरपुर के बीच का। सो हमारा संपर्क बहुत टूट चुका है। हम लोग हर साल यहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने आते हैं, और यहाँ पे ऊपर में भी बहुत अच्छा मतलब प्लेस है, हम लोग वहाँ पे बैठ के पिकनिक मना सकते हैं। नहीं तो एक वहाँ भी एक बहुत सुंदर नज़ारा है, थोड़ा सा जूम करने से वहाँ पे दिखेगा, ये बहुत अच्छा नज़ारा है। वहाँ पर भी हम लोग पिकनिक स्पॉट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, और नदी में नहाने का तो एक मज़ा ही अलग है। तो पिकनिक में आते थे हम लोग, बहुत नहाते भी थे और बहुत इंजॉय भी करते थे सब दोस्त लोग के साथ। यहाँ फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली और बात और नहीं दोस्त है। और हम लोग जब छोटे हुए करते थे यही है वो पत्थर जहाँ पे हम कूदा करते थे, आप लोग आइए मैं दिखाता हूँ। वाह क्या सीन है। और बचपन से हम लोग बहुत नहाते हुए आए नदी का, ये शहर के लोगों को कहाँ मिलेगी, जो पहले हम भी सिटी में थे तो काफ़ी लोग से सुनते थे कि तुम्हारे गांव में तो बहुत अच्छा नदी होगा, बहुत अच्छा से नहाते होंगे। आज भी मेरे दोस्त लोग आते हैं, जैसे जमशेदपुर से आते हैं, रांची से आते हैं, वो लोग को अगर हम नदी लेके जिस दिन आते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे से नहाते भी हैं, बहुत इंजॉय भी करते हैं यहाँ का खूबसूरती नज़ारा देखते हुए। और
अभी तो कहाँ, अभी तो कुछ समय मिलते ही नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, सब गाँव छोटे शहर चल गए काम करने के लिए। तुम टेंशन मत लो दोस्त, तुम्हारी जो बचपन की यादें इस नदी से जुड़ी हुई है, हम उसे फिर से ताजा कर देंगे। आजा, अच्छी भी सस्ती भी। लोगों को और एक जगह कवर करना था, लेकिन काफी अंधेरा हो चुका है, तो वो जगह कवर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत मजा आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।